लक्ष्मी गणेश जी, ब्यूटीफुल। और यहाँ पे है ये वाइट मेटल है, वाइट मेटल बोलते हैं इसको। वाइट मेटल किस चीज़ का है? वाइट मेटल ये मेटल ही ऐसा है जो काला नहीं होगा, काला नहीं होगा। ये देखिए सबसे बड़ी मूर्ति ये है ब्रास की, गणेश जी की। ये देखिए खूबसूरत। प्राइस बताएंगे कहाँ पे हूँ इस वक्त मैं। ब्रास की खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर इसको मूर्तियां बोलेंगे, मूर्तियां छोटी छोटी मूर्तियां आप देख सकते हैं। गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, हनुमान जी हैं, काली माता हैं, शिव जी हैं, सभी भगवानों की मूर्तियां हैं यहाँ पर। छोटी मूर्ति है, बड़ी मूर्ति है, खूबसूरत खूबसूरत ब्रास की आइटम है यहाँ पर, देख सकते हैं। पहले दिखा दीजिए आप पूरा, सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है ब्रास की? ये देखिए सबसे बड़ी मूर्ति ये है ब्रास की, गणेश जी की। ये देखिए खूबसूरत। प्राइस बताएंगे कहाँ पे हूँ इस वक्त मैं, लेकिन आप एक बार नज़र डाल लीजिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियाँ। सबसे छोटी मूर्ति कौन सी है सुभाष भाई? सबसे छोटी मूर्ति ये वाली है, ये है अपने लक्ष्मी गणेश जी, ब्यूटीफुल। और यहाँ पे है ये वाइट मेटल है, वाइट मेटल बोलते हैं इसको। वाइट मेटल किस चीज़ का है? वाइट मेटल ये मेटल ही ऐसा है जो काला नहीं होगा, काला नहीं होगा। बहुत बढ़िया सुभाष भाई, शॉप का नाम बता दीजिए। जगमोहन जोगेश कुमार। जगमोहन जोगेश कुमार, जगमोहन योगेश कुमार। हाँ जी, ये चांदनी चौक में है। हाँ, एड्रेस बता दीजिए। ये आपका 388 है, 388 नंबर है। और सामने मैं देख पा रहा हूँ कौन सा शोरूम पड़ेगा सामने, HDFC बैंक के सामने है ये, बिल्कुल। तो सर कब से कर रहे हैं काम, कितना समय हो गया? करीबन 30-35 साल। 30-35 साल जी। तो ब्रास की मूर्तियां लेते हैं लोग, पसंद करते हैं? बिल्कुल लेते हैं। होलसेल का काम है, रिटेल का? होलसेल रिटेल दोनों ही है। सबसे ज्यादा ब्रास में अगर बात की जाए मूर्तियां कौन सी चलती हैं, कैसी मूर्तियां बिकती हैं? सभी तरह की चलती हैं। सुभाष भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा, ग्राहक आते हैं तो सबसे पहले कौन सी मूर्ति की डिमांड करते हैं सबसे ज्यादा? ये सारे मांगते हैं, जैसे कहते बहुत लोग कहते हैं कि शिव परिवार दे दो। शिव परिवार दिखाइए, शिव परिवार। अच्छा, ब्रास बड़ा हैवी होता है। हाँ जी। अब मैं प्राइस की बात करूंगा, स्टार्टिंग प्राइस क्या होता है इसका? स्टार्टिंग प्राइस क्या है ब्रास की छोटी मूर्ति का? साढ़े नौ सौ रुपये किलो के हिसाब से आती है। अच्छा, किलो के हिसाब से आती है ब्रास की मूर्तियाँ। ये देखिए, ये इसका ये 850 रुपये की है। और सबसे छोटी मिलेगी कितने रुपए की? सबसे छोटी भी वेट के हिसाब से मिलेगी? नहीं, छोटी भी आप पीस के हिसाब से है, वेट के हिसाब से या पीस के हिसाब से? वो पीस के हिसाब से कितने की होगी? 760 रुपये की है। अच्छा, ये काली तो नहीं पड़ जाती? पड़ जाती है। नहीं, ये इतना जल्दी काला नहीं होती है, थोड़ा बहुत साफ़ करना पड़ता है इसको। थोड़ा किस चीज़ से साफ़ करते हैं? इसे सरफ से। सरफ से साफ करते हैं। खूबसूरत ब्रास की मूर्तियां लेने का जिसे शौक है आपको, यहां पर एक बार ज़रूर आना चाहिए। और आजकल ये नया माल आ गया मार्केट में, सिल्वर मेटल बोलेंगे इसको। और ये भी सब ब्रास है जी? भी यही भी ब्रास है। ब्रास है, देखिए ये लड्डू गोपाल जी हैं। हाँ जी, जी लड्डू गोपाल जी हैं ये। बहुत बढ़िया लड्डू गोपाल जी हैं, खूबसूरत। आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, ले सकते हैं ब्रास की मूर्तियाँ। यहाँ भी दिखा दीजिए लड्डू गोपाल जी, ये देखिए। और यहाँ पर भी देखिए खूबसूरत खूबसूरत छोटी छोटी ब्रास की मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, ब्यूटीफुल। तो दोस्तों एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वैरायटी बहुत है यहाँ पर, बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियां हैं। आपको एक बार आकर यहां पर ज़रूर आना चाहिए, और ख़रीदे नहीं एक बार नज़र ज़रूर डाल लें। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, और किस तरह कंटेंट देखना चाहते हैं हमारे चैनल में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए खिचड़ी बाज़ार।